नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच से, मतलब कि सोचिए और अमीर बनिए। तो बात ऐसी है कि लेखक एक छोटे बच्चे थे जब एंड्रयू कार्नेजी ने उन्हें अपना एक राज बताया, एक ऐसा राज जिसकी बदौलत 500 अमीर लोगों ने अपनी किस्मत खुद लिखी। नेपोलियन हिल इसे 20 सालों तक ढूंढते रहे और आखिर में उन्हें पता चला कि सक्सेस तो किसी भी प्रोफेशन या करियर में मिल सकती है और एक अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा इंसान भी अमीर बन सकता है। और ये सीक्रेट लेखक अपने रीडर्स के साथ बांटना चाहते हैं कि आखिर कैसे 500 अमीर लोगों को अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी सफलता मिली। और ये सीक्रेट सिर्फ उनके लिए है जो इसे जानने के लिए तैयार है। जिन्होंने ये सीक्रेट अप्लाई किया उनका अमीर बनने का सपना पूरा हुआ है। लेकिन ये ऐसे ही इतनी आसानी से नहीं हो सकता, आपको ना इसके लिए कुछ एफर्ट तो करने ही पड़ेंगे। और इस किताब में आप ये जानेंगे कि सक्सेस पाने के लिए क्या और कैसे करना है, कैसे और कब से इसकी शुरुआत करनी है। वैसे हाँ, ये सच भी है कि कोई भी सफलता पा सकता है, लेकिन सिर्फ उसे ही मिलेगी जो इसे एक्चुअली में फॉलो करेगा। तो इस किताब के हर चैप्टर में वो 13 स्टेप्स बताए गए हैं जिन्हें नेपोलियन हिल ने अमीर बनने के लिए रेकमेंड किया है। कोई भी इंसान इन स्टेप्स को फॉलो करके अपनी जिंदगी को सक्सेसफुल बना सकता है। अगर आप अपनी जिंदगी में पैसा, मान सम्मान, पर्सनैलिटी, सुकून और खुशी चाहते हैं, तो इसका राज आप उन अमीर लोगों से जान सकते हैं। और जैसे जैसे आप ये 13 स्टेप्स पार करेंगे, उस सीक्रेट के आप और भी करीब आते जाएंगे। तो अब तैयार हो जाइए, क्योंकि जो मौका अब आपके हाथ लगने वाला है वो आपकी लाइफ को बदल कर रख देगा। नेपोलियन हिल ने हमें इस सीक्रेट का एक क्लू भी दिया है कि सबकी तरक्की और सबकी अमीरी की शुरुआत के पीछे एक आइडिया है। तो अब जानते हैं पहले स्टेप के बारे में, जो है इच्छा, यानी कि डिजायर। ये शब्द सुनते ही आपके दिमाग में बहुत सारी इच्छाएं आनी शुरू हो गई है। तो इच्छाओं को अगर पूरा करने की बात की जाए तो इस स्टेप को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब ये कि जब आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हैं तो वो हकीकत बनकर आपके सामने आ जाती है। अपने सपने के बारे में लगातार सोचने से आप उसे पाने के रास्ते ढूंढने लगते हैं। एक टर्म है जिसे मनी कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसका मतलब है कि पैसे के पीछे दीवाना होना, यानी आपके मन में खूब पैसा कमाने की इच्छा है। ये दिमाग की एक हालत है, यानी स्टेट ऑफ माइंड, जहां आप पहले से ही खुद को अमीर समझने लगते हैं। जब आप मनी कॉन्शियस बनते हैं तो पैसा कमाने लगते हैं। और हम यहाँ पर 6 स्टेप्स बता रहे हैं जो कि पक्के से आपको मनी कॉन्शियस बना देंगे। पहला तो ये है कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, ये सोच लीजिए। लेकिन इसके लिए ये बोलना काफी नहीं होगा कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। आपको ना एक फिक्स अमाउंट तो सोचना ही पड़ेगा, जैसे कि 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, जितना भी अमाउंट है, फिक्स अमाउंट सोच कर रखिए ताकि आप अपना सपना सच में पूरा कर सके। दूसरा स्टेप है कि आपको ये तय करना होगा कि इतना पैसा कमाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुफ्त में तो आपको कुछ मिलने से रहा। और तीसरा स्टेप है कि वो तारीख और वो डेट डिसाइड कर लीजिए जिस दिन आप अपनी सोची हुई रकम को पा सकेंगे। और चौथा स्टेप होगा एक ऐसा खास प्लान सोचना जिससे कि आप ये पैसा कमा सके। और एक और प्लान करने के बाद आपको बिना झिझके उस रास्ते पर आगे बढ़ना है। और आपका पांचवा स्टेप होगा कि आप अपना फुल प्रूफ प्लान कहीं लिख ले, कितनी रकम आप चाहते हैं, कब तक चाहते हैं और आपका प्लान क्या होगा। ये हर चीज आप एक पेपर पर लिख लीजिए। और आखिर में जो छठा स्टेप है वो ये है कि अपने इस स्टेटमेंट को दिन में 2 बार पढ़े और याद करे। जी हाँ, अगर सच में आपके अंदर अमीर बनने की ख्वाहिश है, अमीर बनने की इच्छा है, तो आपके लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। इस तरीके से आप देखेंगे और महसूस करेंगे और यकीन भी कर पाएंगे कि आपके पास पैसा है। इसे दोहराते रहिए और आप मनी कॉन्शियस बन जाएंगे। वैसे एक बात याद रखिए कि हर बड़ी अचीवमेंट हासिल होने से पहले वो एक सपना ही लगती है, राइट? तो ये थी पहले स्टेप में इच्छा यानी कि डिजायर की बात। और आगे दूसरा स्टेप है फेथ यानी विश्वास। कहने का मतलब ये कि यूनिवर्स में एक ऐसी ताकत है जो हमें उन चीजों के पास ले आती है जिन पर हम यकीन रखते हैं। जब हमें पॉजिटिव ख्याल आते हैं तो हमारे साथ ऑटोमेटिकली सब कुछ अच्छा होने लगता है। लेकिन जब हम नेगेटिव सोचते हैं
तो बुरी से बुरी चीजें, छोटी मोटी सब अपने आप होने लगती है। अब देखा जाए तो बैड लक या बुरी किस्मत जैसी तो कोई चीज होती ही नहीं, बस हम किस पर यकीन करते हैं वो मायने रखता है। कुछ लोग ना बिना वजह ही खुद को बदकिस्मत मानने लगते हैं, और कुछ तो खुद को हमेशा गरीब ही समझते रहते हैं। अगर हमें ये यकीन होने लगे कि हम अपने हालात नहीं बदल सकते, तो इसका मतलब एकदम साफ है कि हमने अपनी बदकिस्मती खुद लिखी है, बिल्कुल बिना किसी डाउट के। क्योंकि जैसा हम अपने दिमाग को बनाएंगे, वही चीजें हकीकत में होने लगेगी। अब सोचिए कि अगर आप अपने दिमाग में डर और शक पैदा कर ले, तो आप हमेशा डरते ही रहेंगे और अपने आप पर भरोसा नहीं रख पाएंगे, और ऐसा करके आप खुद को एक दायरे के अंदर बांध रहे हैं, जिससे कि बाहर आ पाना बहुत मुश्किल होगा। तो मनी कॉन्शियस बनने के लिए खुद पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। याद रखिए कि आप हर पल खुद को अमीर देखें, महसूस करें और इस बात को माने। खुद पर यकीन रखें कि एक दिन आप बहुत सारा पैसा कमाएंगे। जो लोग हर बात पर बोलते हैं कि वो तो बहुत गरीब है, ऐसे लोग ना कभी अमीर बन ही नहीं पाते। जो हम बनना चाहते हैं ना, खुद पर यकीन करके ही हम वो बन सकते हैं। जैसे विचार, जैसे थॉट्स हमारे दिमाग में भरेंगे, वही एक दिन हमारी सच्चाई बन जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि मर्जी आपकी है कि आप गरीबी चुनते हैं या अमीरी। तो एक बार जरा अपने मन में अमीर होने का ख्याल बैठा लीजिए, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो। फिर आपका यकीन आपके लिए सारी लिमिटेशन को हटा करके आपको सक्सेस दिला देगा। लेकिन इस सफलता को पाने के लिए आपको एक और काम करना होगा, और वो है तीसरा स्टेप, ऑटो सजेशन। हमारा सबकॉन्शियस दिमाग एक्चुअली में एक उपजाऊ जमीन की तरह है। हम अगर इसमें काम के बीज नहीं डालेंगे, तो इसमें घास फूस उगने लगेगी। इसके लिए हमें ऑटो सजेशन या फिर सेल्फ सजेशन अपनाना होगा, ताकि हमारे दिमाग में बेकार का कचरा ना उगे। हम खुद इतने काबिल है कि अपने सबकॉन्शियस दिमाग में आने वाले ख्यालों को चुन सकते हैं। हमारा यही सबकॉन्शियस माइंड हमारी सोच को हकीकत बनाता है। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें ऑटो सजेशन से इस तक पहुंचना होगा। इसीलिए तो कहते हैं कि अपने दिमाग को हमेशा पॉजिटिव थॉट से भर कर रखिए। और जब हम इस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो तभी हमारी हार होती है। ये बात हर दिन दोहराइए कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप अमीर होना चाहते हैं, तो उसके लिए तैयार रहे। अपनी इस चाहत को अपनी आदत बना लीजिए। फिर एक दिन आपकी यही आदत आपको असल में ऐसे मौके देगी, जिससे कि आपकी सक्सेस एक हकीकत बन जाएगी। तो आज से ही खुद को एक अमीर और सफल इंसान समझना शुरू कर दीजिए। अपने गोल तक पहुंचने का प्लान आपके सबकॉन्शियस में ही है। बस ऑटो सजेशन की प्रैक्टिस करते रहें, ताकि आपका प्लान आपके पास खुद ब खुद आ सके। और हाँ, इस कोशिश में कभी भी हार मत मानिए। ये बात समझ लीजिए कि आपको कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलने वाला। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ करना भी पड़ेगा। तो आज से ही अपने दिमाग के बगीचे में अच्छे अच्छे पॉजिटिव बातों के बीज डालना शुरू कर दीजिए। और आगे अब बात करते हैं चौथे स्टेप की, जो है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। इसे हम समझने की कोशिश करते हैं इस इंसिडेंट से। तो हेनरी फोर्ड का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो इनके पास ना कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन उन्हें ऑटोमोबाइल्स के बारे में अच्छी खासी नॉलेज थी। तो हुआ यूं कि वर्ल्ड वॉर के दिनों में उन्होंने शिकागो न्यूज़पेपर पर मानहानि का दावा किया था, क्योंकि अखबार ने उन्हें इग्नोरेंट पैसिफिस्ट यानी कि उदासीन शांतिवादी करार दिया था। अदालत में ट्रायल के दौरान उनसे हजारों सवाल पूछे गए। वकील ये साबित करना चाहता था कि हेनरी वाकई में इग्नोरेंट है। अदालत में उनके ऊट पटांग सवालों से फोर्ड परेशान हो गए थे। फिर उन्होंने जवाब दिया कि जो भी सवाल आप मुझसे पूछना चाहते हैं, उनका जवाब देने के लिए मैं यहाँ अपने एडमिन को बुला सकता हूँ। अब क्या आप मुझे बताएंगे कि जब मैं आदमियों को काम पर रख सकता हूँ जो मुझे हर बात की जानकारी दे, तो मुझे अपने दिमाग में इतनी नॉलेज पढ़ने की क्या जरूरत है? फोर्ड के इस जवाब से अदालत में सन्नाटा छा गया। फोर्ड के पास कोई खास जनरल नॉलेज नहीं थी, मगर अपने काम की उसे खास नॉलेज जरूर थी। उसे ये मालूम था कि उसका गोल क्या है। तभी तो जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं भी होते, फिर भी वे सक्सेसफुल होते हैं। तो जो चीजें हम जनरल नॉलेज पढ़कर या स्कूल में सीखते हैं, अक्सर हमारे उतने काम नहीं आती, जब तक कि हम असली जिंदगी में इस्तेमाल नहीं करते। और देखा जाए तो ये सिर्फ किताबी पढ़ाई है, प्रैक्टिकल नहीं। अगर आपका किसी खास चीज में इंटरेस्ट है, तो आप उसमें कोई शॉर्ट कोर्स कर सकते हैं या उसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं।
इस तरह से आप उस चीज के बारे में पूरी नॉलेज अच्छी तरह से हासिल कर सकते हैं, जो कि आगे चलकर आपके बिजनेस में काम आ सकती है। और वैसे भी सीखना केवल स्कूल तक ही नहीं होता, आप जिंदगी में किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं। चाहे आप फैमिली वाले हो या फुल टाइम जॉब कर रहे हो, अपने हुनर को सीखने के लिए वक्त तो निकाल ही सकते हैं। तो एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता चलता है कि फ्यूचर में आपको क्या सीखना है और क्या काम करना है। जो आपका हुनर है उसे इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। और अक्सर कंपनीज भी एम्प्लॉयज को रखते टाइम एजुकेशन तो देखती ही है, साथ ही उनकी पर्सनैलिटी पर भी गौर करती है। आप किस तरीके से लोगों से या कस्टमर से पेश आते हैं या सिचुएशंस को कैसे हैंडल कर पाएंगे, ये सारी बातें भी देखी जाती है। कोई सक्सेसफुल आदमी भले ही एजुकेटेड ना हो, मगर उसमें एक खास एम्बिशन और पर्सनैलिटी जरूर होती है। याद रखिए कि जो इंसान स्कूली पढ़ाई को ही सब कुछ मानकर सीखना बंद कर देता है, वो हमेशा मामूली इंसान ही बनकर रह जाता है। वो भले ही एक मुकाम हासिल कर ले, मगर सक्सेस तो तभी हासिल होती है जब आप जिंदगी में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। और इसी के साथ अब आगे बात करते हैं पांचवे स्टेप की, जो है इमेजिनेशन, यानी कि कल्पना करना। तो आइए इसे समझते हैं एक कहानी से। बहुत पुरानी बात है, एक बार एक बूढ़ा देसी डॉक्टर एक केमिस्ट की दुकान पर गया। उसने दुकान में काम कर रहे क्लर्क से कहा कि उस डॉक्टर के पास, यानी कि उसके पास एक कैटल, एक लकड़ी का पैडल जिससे कि कैटल में बन रही ड्रिंक को घुमाया जा सकता है, वो है। और एक मैजिक फॉर्मूला भी है, और इन तीनों चीजों का इस्तेमाल करके वो क्लर्क अमीर बन सकता है, लेकिन इसके लिए उसे उस डॉक्टर को $500 देने होंगे। अब ये सुनकर के उस क्लर्क ने अपनी जिंदगी भर की सेविंग उस डॉक्टर को दे डाली और $500 में वो तीनों चीजें खरीद ली। डॉक्टर ने $500 क्लर्क से लिए और वहां से चला गया, क्योंकि इन पैसों से वो डॉक्टर अपना सारा कर्ज उतार कर आराम से रह सकता था। अब उस जवान क्लर्क ने अपनी लाइफ सेविंग उस फॉर्मूले पर इन्वेस्ट कर दी थी। उसने उन तीनों चीजों को मिक्स करके मैजिक फॉर्मूला बनाया। उस कैटल में उसके हाथ एक किस्म का सोना लगा था, जिससे कि शुगर इंडस्ट्री चलाई गई और जिसकी वजह से लाखों लोगों को रोजगार भी मिला। इसने साउथ के एक छोटे से शहर को बिजनेस कैपिटल बना डाला। इस तरीके से वो पुरानी कैटल सारी दुनिया के काम आई। आप जानते हैं उस कैटल में क्या मिक्सचर बना था? उसका नाम था कोका कोला। जी हाँ, उस मिक्सचर से जो चीज बनी वो कोका कोला थी, और जिसने ये मिक्सचर बनाया उस क्लर्क का नाम था असा कैंडलर। लेकिन कोका कोला की सफलता का सीक्रेट वो तीन चीजों का मिक्सचर नहीं था, वो थी असा कैलेंडर की इमेजिनेशन। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। हमारी चाहतों को पूरा करने के लिए इमेजिनेशन की जरूरत पड़ती है। हमें कल्पना करनी होती है ताकि वो हकीकत बन पाए। जो चीज आपको सफल होने से रोक रही है वो सिर्फ आपकी अपनी सोच। आप सोच बदलिए, अपनी इमेजिनेशन को इस्तेमाल कीजिए और फिर देखिए कमाल। कोका कोला भी एक आइडिया पर चला। आज जो जितनी भी चीजें हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे कि गैजेट्स या सोशल मीडिया, इन सब के पीछे एक आइडिया ही है। हम में से बहुत से लोग जिंदगी भर एक ब्रेक का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन सफलता एक दिन में नहीं मिल जाती। आपका आइडिया ऐसा होना चाहिए जो कि हर तरह के क्रिटिक्स को झेल सके। इसमें आपको हार, निराशा और डिस्करेजमेंट भी मिल सकती है। तो इन सब बातों के लिए तैयार रहे, अपने आइडिया को अपना जुनून बना लीजिए। बिना रुके लगातार इस पर काम करें, इसे असलियत का जामा पहनाएं, तभी आपका आइडिया इतना दमदार बन पाएगा कि हर तरह के चैलेंज को वो झेल पाए। और इस तरह किसी भी चैलेंज को आप ठीक तरीके से हैंडल कर पाए, उसके लिए जरूरी है छठे स्टेप के बारे में जानना। और छठा स्टेप है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। मतलब ये कि जब तक आपके पास कोई पक्का प्लान नहीं है, आप सफल नहीं हो सकते। ऐसे लोग ढूंढिए जो कि आपके प्लान में आपकी मदद कर सके। जब आप लोगों की मदद लेंगे तो जाहिर सी बात है कि बदले में आपको उन्हें कुछ फायदा या कंपनसेशन देना पड़ेगा। अपना एक ग्रुप बनाइए और लगातार उनके साथ अपने प्लान के बारे में डिस्कस करते रहें। फेलियर से बचने के लिए अपने ग्रुप के साथ अच्छा वर्किंग रिलेशन कायम करें। आपको हर तरह के लोगों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक ही इंसान में हर चीज की नॉलेज, एक्सपीरियंस या एबिलिटी नहीं होती। सक्सेस पाने के लिए औरों के सहयोग और परफेक्ट हार्मनी की जरूरत पड़ेगी। और इस बात का ध्यान रखिए कि प्लान पर काम करने से पहले अपने ग्रुप के सभी मेंबर्स की राय ली जाए।
अगर पहला प्लान फेल हो जाता है तो दूसरे पर काम करें, और अगर ये वाला भी नहीं चलता तो भी हार ना माने, तब तक नए प्लान्स बनाते रहे जब तक कोई पक्का प्लान आपके हाथ नहीं लगता या आपको परफेक्ट नहीं लगता। याद कीजिए कि किस तरीके से थॉमस एडिसन ने 10,000 बार कोशिश की थी तब जाकर के वो लाइट बल्ब बनाने में कामयाब हुए थे। तो बार बार फेल होने के बाद ही तो वो एक ग्रेट इन्वेस्टर बन पाए। और वैसे भी जो हार मानता है वो कभी नहीं जीतता, और जो जीतता है वो कभी हार नहीं मानता। जो हार मान लेते हैं उनमें जुनून की कमी होती है, लेकिन हारने के बाद भी नए प्लान बनाने वाले ही आखिर में विनर बनते हैं। वैसे फेल होने का मतलब है कि कहीं कुछ गलत है, जो आपका प्लान काम नहीं कर पाया और उसमें आपको चेंजेस करने की जरूरत है। अगर थॉमस एडिसन ने हार मान ली होती तो शायद उनका नाम आज किसी को पता ही ना होता। जब आप फेल होते हैं तो उसकी वजह ढूंढिए। इसे बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं आप? एक नया फुल प्रूफ प्लान बनाकर उस पर नए सिरे से काम करें। और इसी के साथ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं 7वें स्टेप की तरफ, जो है डिसीजन, यानी कि निर्णय लेना। फोर्ड मोटर्स की मॉडल टी एक जमाने में दुनिया की सबसे बदसूरत कार मानी जाती थी। हेनरी फोर्ड को उनकी कंपनी के एडवाइजर ने इस कार का डिजाइन बदलने की सलाह दी, लेकिन फोर्ड नहीं माने और मॉडल टी को बनाते रहे। हालांकि बाद में उन्होंने उसके डिजाइन में थोड़ा बहुत बदलाव जरूर किया, लेकिन उससे भी पहले मॉडल टी ने उन्हें खूब कमाई करके दी। हेनरी फोर्ड अपने तुरंत फैसलों और मजबूत इरादों के लिए जाने जाते थे, और हर सफल इंसान के अंदर ये क्वालिटी होती है, कभी हाँ कभी ना करने वाले, हमेशा गरीब और फेलियर ही रहते हैं। जब आप तुरंत फैसला करते हैं तो उन पर तुरंत काम भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि देर करने से सिर्फ पैसा और वक्त ही बर्बाद होता है और रिजल्ट कुछ हाथ नहीं आता। तो फोर्ड ने उन लोगों की बात बिल्कुल नहीं मानी जिन्होंने मॉडल टी की बुराई की थी, क्योंकि उन्हें अपने लिए गए फैसले पर पूरा यकीन था। अमीर लोग कोई भी फैसला करने में ना टाइम वेस्ट नहीं करते, बल्कि उनमें धीरे धीरे जरूरी चेंजेस करते हैं। वे आसानी से लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होते, बल्कि खुद के आइडिया पर भरोसा रखते हैं। ओपिनियन इस दुनिया की ना सबसे सस्ती चीज है। कोई भी किसी को मुफ्त में सलाह देने के लिए तैयार रहता है। अगर आप हमेशा लोगों से राय मांगते रहेंगे तो आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला। ज्यादातर लोग ना आपको ऐसे वाहियात ओपिनियन देंगे जो आपको डिस्करेजमेंट ही देगी, ना कि मोटिवेट करेगी। फिर चाहे वो आपके पक्के दोस्त या रिश्तेदारी क्यों ना हो, सिर्फ अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ ही काउंसिल करें। सिर्फ आपका ग्रुप ही आपके साथ पूरी तरह सिंपैथी और हार्मनी रखता है, क्योंकि आपका पर्पस एक ही है। और अपने ग्रुप के मेंबर्स भी आप सोच समझ कर चुने। हम आगे के चैप्टर में मास्टरमाइंड की पावर के बारे में आपको जरूर बताएंगे। हाँ, लेकिन आपके पास खुद का एक दिमाग है तो आप इसे इस्तेमाल करें। सक्सेसफुल बनने की जो आग आपके अंदर है उसकी पुकार सुने। अच्छे फैसले लेने का मतलब है कि आपको क्या चाहिए ये बात आप जानते हैं। और वैसे भी दुनिया का दस्तूर है कि यहाँ उसी इंसान की कद्र होती है जिसकी बातों में दम हो और जिसका काम बोले। और सक्सेसफुल लोगों को पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए और वे उसे हासिल करके ही रहते हैं। तो इसी के साथ अब आगे बात करते हैं 8वें स्टेप के बारे में, जो है परसिस्टेंस, यानी कि बेशक धीरे धीरे मगर लगातार बढ़ते रहे। जी हाँ, आखिर कहीं से तो चलना शुरू करना ही होगा, तभी तो सफलता एक दिन हाथ लगेगी। लगातार अपनी मंजिल की तरफ चलने से पहले अपनी मंजिल चुन लीजिए। आप क्या हासिल करना चाहते हैं और क्यों, ये जानना बहुत जरूरी है, तभी आपको मोटिवेशन मिलेगी। खुद पर यकीन रखें कि आप इतने काबिल हैं। आपके अंदर वो स्किल और नॉलेज है जो आपको सक्सेस दिला सकती है। अपने लिए एक सही प्लान तैयार करें। जो इस प्लान में आपकी मदद कर रहे हैं उन साथियों के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करें। अपनी विल पावर को परख लें, फिर अपने प्लान पर फोकस करें। और सबसे पहले ना जरूरी है कि अपने मन का डर भगा दें। जो डरता है वो कुछ नहीं कर पाता। और वैसे भी कितने सारे लोग हैं जो एक बड़े ब्रेक के इंतजार में बैठे हैं। कोई मनपसंद जॉब या बिजनेस अपॉर्चुनिटी उनके लिए एक बड़ा ब्रेक हो सकता है, लेकिन ऐसे लोग डिसअपॉइंटेड रहते हैं। ब्रेक पाने के लिए उतने ही एफर्ट्स भी तो करने पड़ते हैं, ये अचानक से तो मिल नहीं जाते। लेकिन हम अपना बिग ब्रेक पा सकते हैं जब हम इसके लिए एक प्लानिंग करते हैं और उसके रास्ते पर लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग डिजायर और खास प्लान से ये मौका पाया होगा, लेकिन सफल नहीं हो पाए। पूछिए ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने आसानी से गिव अप कर लिया। एक बार फेल होते ही उन्होंने हार मान ली और प्लान ही छोड़ दिया। मगर ये हार तो टेम्पररी थी,
इस बात को तो वो भूल गए कि हार का एक ही जवाब है और वो है आगे बढ़ते रहना। कई बार तो ना ऐसा लगता है कि कोई छुपा हुआ गाइड हमें परखने के लिए हमारे रास्ते में ना बहुत सारी रुकावटें डाल देता है। हमारी हार हमारी विल पावर को परखने का बस एक तरीका है। जब आप बिना रुके लगातार आगे बढ़ने की आदत बना लेते हैं तो हार कभी भी आपके रास्ते की रुकावट नहीं बनेगी। फिर जो कुछ भी आपने सोचा है उसे पूरा करके ही रहेंगे। तो बस यूं ही आगे बढ़ते रहिए और आगे हम भी आगे बढ़ते हैं नवे स्टेप की तरफ, जो है पावर ऑफ मास्टरमाइंड। एक कहावत है कि नॉलेज इज पावर, मगर सिर्फ इसके दम पर अकेले आप अमीर नहीं बन सकते। आपकी नॉलेज तभी पावर बनती है जब इसे अपने गोल को पाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। मास्टरमाइंड ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो आपकी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं ताकि वो आपकी पावर बन सके। इन लोगों की इच्छा और मकसद वही होता है जो आपका है। इस बात को हम इलेक्ट्रिक बैटरी से समझते हैं। एक सिंगल बैटरी थोड़ी सी ही एनर्जी देगी, लेकिन जब एक से ज्यादा बैटरी हमारे पास हो तो हमें लंबे समय तक उनकी एनर्जी मिलती रहेगी। ऐसे ही जब आपके पास मास्टरमाइंड ग्रुप होता है तो आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है और इनकी मदद से आप अपनी कमजोरियों को भी दूर कर सकते हैं। अपनी कॉरपोरेशन बनाने से पहले हेनरी फोर्ड भी एक गरीब, अनपढ़ और इग्नोरेंट इंसान थे, लेकिन उन्होंने अपना बिजनेस ऐसे 50 भरोसेमंद लोगों के साथ मिलकर चलाया जो उनके मास्टरमाइंड थे। उन्होंने थॉमस एडिसन के साथ भी दोस्ती रखी थी। फोर्ड ने अपने इन भरोसेमंद और महान दोस्तों के साथ बहुत ही मिलनसार और सहयोगी रिश्ता बनाए रखा। अपने इसी काबिल मास्टरमाइंड ग्रुप की वजह से हेनरी फोर्ड अपनी गरीबी मिटाकर इतने बड़े सफल बिजनेसमैन बन पाए। सिर्फ 10 साल लगे उन्हें पढ़ने लिखने में और इंटेलिजेंट बनने में, और 25 साल के बाद वो अपने देश के सबसे अमीर आदमी बन चुके थे। एक मास्टरमाइंड ग्रुप से जुड़ने के बहुत से इकोनॉमिक फायदे तो है ही, बल्कि मानसिक रूप से भी फायदेमंद है। जब भी दो दिमागी ताकतें आपस में मिलती है तो एक नई अनदेखी ताकत पैदा होती है जो उन दोनों दिमाग के साथ मिलकर तीन दिमागों जितनी ताकतें पैदा करती है। तो जाहिर है कि एक ग्रुप में जब इतने दिमाग होंगे तो वो एक अकेले दिमाग की ताकत को भी बढ़ा देंगे। कुल मिलाकर के कहे तो दो दिमाग एक अकेले से ज्यादा बेहतर सोच सकते हैं। अगर ग्रुप के लोगों के बीच अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है तो वे मिलकर के किसी भी इंडिविजुअल से ज्यादा अचीव कर सकते हैं। वे मिलकर के कमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक अकेले इंसान की तुलना में उनकी ताकत कई गुना बढ़कर होती है। तो मास्टरमाइंड के बारे में तो आपने जान लिया, अब आगे बात करते हैं 10वें स्टेप के बारे में, जो है द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूटेशन उसे कहते हैं जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है। सेक्स इंसान की सबसे ताकतवर मोटिवेशन होती है। सेक्स ट्रांसम्यूट का मतलब है कि हम अपनी सेक्स एनर्जी को कई और प्रोडक्टिव कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत पावर होती है। क्रिएटिविटी और बिजनेस के लिए सेक्स एनर्जी का बेहतरीन इस्तेमाल हो सकता है। सेक्स एक नेचुरल चीज है और ये इंसान की जरूरत की चीजों में भी शामिल है। आप इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। अगर इसे काबू में नहीं किया गया तो ये एक डिस्ट्रक्टिव हथियार बन जाता है, लेकिन अगर इसे विल पावर की तरह इस्तेमाल किया जाए तो इससे बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। जितने भी सक्सेसफुल म्यूजिशियन हैं, वकील, आर्टिस्ट और बिजनेसमैन, उन्होंने अपनी इस शरीर की भूख का इस्तेमाल अपनी क्रिएटिविटी में किया और वो महान बने। माइंड को प्रेरित करने के कई तरीके हैं, जैसे शराब, ड्रग्स या आपके मन का डर, लेकिन इन सब में सेक्स ही सबसे स्ट्रॉन्ग है। जो इंसान इस पर कंट्रोल नहीं रख पाता वो अक्सर जुर्म, गरीबी और बदहाली में ही जीता है। जिसने भी इस ताकत का सही इस्तेमाल किया उसका हमेशा भला हुआ है और वो एक जीनियस बनकर उभरता है। और वैसे भी जीनियस इंसान किसी प्लेन के पायलट जैसा होता है। वो पहाड़ों और पेड़ों के ऊपर से जाता है, वो ऊंची उड़ाने लगाता है। सेक्स और खाना हमारी जिंदगी में ऊंचे पहाड़ों और पेड़ों की तरह है। एक जीनियस इन सभी प्रॉब्लम्स को पार करके खुद को आजाद कर लेता है। अब वो अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन का बेहतर इस्तेमाल करके खुद के लिए तरक्की के रास्ते खोल सकता है। हमारी क्रिएटिव इमेजिनेशन सिक्स्थ सेंस की तरह है। जितना ज्यादा हम उसे यूज करेंगे ये उतनी ही अच्छी होती जाएगी। क्रिएटिव इमेजिनेशन की प्रैक्टिस से सक्सेसफुल लोग और ज्यादा समझदार और ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाते हैं।
स्टडी से ये प्रूव हुआ है कि सक्सेसफुल लोगों में स्ट्रॉन्ग सेक्स एनर्जी होती है, लेकिन वो इस एनर्जी को वहाँ अप्लाई करते हैं जहाँ उन्हें अपने क्रिएटिव आउटलेट की जरूरत होती है। जितने भी गाने, कविताएं या नॉवेल्स हैं, उनमें लव और सेक्स का ही जिक्र है। आपके अंदर का करिश्मा और कॉन्फिडेंस आपकी सेक्स अपील से ही झलकता है। आप किसी भी आर्टिस्ट या बिजनेसमैन को देख लीजिए, आप खुद समझ जाएंगे। आप भी अपने अंदर के इस पोटेंशियल को अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन के लिए यूज करें। अपनी सेक्सुअल एनर्जी को बाहर निकालने के लिए कोई ऐसा जरिया ढूंढे जो कुछ क्रिएटिव हो, ना कि उसे शरीर की भूख समझकर शांत करते रहे। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके दिमाग में कितनी शक्ति है, इसका कोई अंत नहीं है। इसीलिए इसे खुद को महान बनाने में लगाइए और साथ ही अपनी सेक्सुअल एनर्जी के एडवांटेज से अपने करियर को नई ऊंचाइयों में ले जाइए और अमीर बनिए। अब आगे है 11वां स्टेप, द सबकॉन्शियस माइंड। हम सब जानते हैं कि सबकॉन्शियस दिमाग पर हमारा कोई काबू नहीं होता, लेकिन यही वो हिस्सा है जो हमारी सारी इच्छाएं, भावनाएं और फैसले लेने की ताकत को कंट्रोल करता है। हमें बस ये करना है कि हम अपने मन को हमेशा पॉजिटिव विचारों से भरा रखें। धीरे धीरे यही पॉजिटिव थॉट्स हमारे सबकॉन्शियस मन में बैठते चले जाएंगे और ये एक तरीका है जो धीरे धीरे हमें सक्सेस की ओर ले जाएगा। अपने सबकॉन्शियस को इम्प्रूव करने के लिए अपने दिमाग में यकीन, प्यार, सेक्स, जोश, रोमांस और उम्मीद से भरे थॉट्स लाए। कभी भी अपने दिमाग में बेकार का डर, किसी से नफरत, जलन और बदले की भावना या लालच और अंधविश्वास जैसे थॉट्स को ना रखें। कोशिश कीजिए कि ये नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आए ही ना। नेगेटिव सोचने से आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिल सकती और ना ही आप अमीर बन सकते हैं। इससे आप और ज्यादा गरीबी के दलदल में डूब जाएंगे। अभी आपके पास अपना खुद का एक पर्सनल प्लान है जिसके दम पर आप सक्सेस पा सकते हैं। आप जानते हैं कि आप कैसे अमीर बन सकते हैं, हालांकि वो प्लान अभी आपके सबकॉन्शियस मन में बंद पड़ा है। उस तक पहुंचने के लिए आपको पहले अपने नेगेटिव थॉट्स से छुटकारा पाना होगा। तो सबसे पहले पॉजिटिव थॉट्स को अपने दिमाग में लाने की कोशिश कीजिए ताकि आप इसे और बेहतर समझ सके। हर दिन छोटी छोटी बातों से शुरुआत करें। अपनी चाहतों को, प्यार, सेक्स, उम्मीद, रोमांस, जोश और खुशियों को अपनी आदत बना ले और लालच, डर, गुस्सा, जलन और बदले की भावना से छुटकारा पाए। अब जानते हैं 12वें स्टेप के बारे में, द ब्रेन। जी हाँ, इंसानी दिमाग दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन है। इसे सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइस दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे विचारों की ताकत का हमारी सफलता में एक बड़ा हाथ होता है। जो भी 13 स्टेप्स यहाँ पर बताए गए हैं, उनके बारे में सोच करके आप अपने सफर की शुरुआत कर सकते हैं। आपकी इच्छा से लेकर के आपकी इमेजिनेशन तक और आपकी परसिस्टेंस तक, हर चीज की प्लानिंग आप अपने दिमाग में करके रख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे दिमाग के सेरेब्रल कॉर्टेक्स में 10 से लेकर 14 बिलियन नर्व सेल्स पाई जाती है। इससे भी मजेदार बात तो ये है कि ये सारी सेल्स एक खास तरीके से ऑर्डर के हिसाब से अरेंज है। नर्व सेल्स के अरेंजमेंट का ये तरीका हम इंसानों को फिजिकली और मेंटली काम करने के लायक बनाता है। हमारे इमोशनल और मेंटल स्टेट के लिए भी हमारा ब्रेन ही जिम्मेदार होता है। ये बिल्कुल सच है कि हम वाकई में सोचने की ताकत से ही अमीर बन सकते हैं। अपने दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स को भरकर हम अपने लिए अच्छे मौके खुद ही ढूंढ सकते हैं। अपने जुनून को हम असलियत में उतार कर अपने सपने पूरे कर सकते हैं। हमारे अंदर वो पावर है कि हम तुरंत फैसले भी ले सकते हैं और हारने पर फिर से कोशिश कर सकते हैं। और हम अपनी सेक्सुअल एनर्जी का इस्तेमाल अपनी क्रिएटिविटी को निखारने के लिए भी कर सकते हैं। और ये सब हमारे इस छोटे से दिमाग के अंदर ही हो सकता है। अगर आप रोज खुद को प्रेरित करने की प्रैक्टिस करें, तो अपनी नॉलेज और अपने पोटेंशियल को बढ़ा सकते हैं। और सफल होने के लिए आपको यही तो चाहिए। अपने दिमाग के साथ साथ बाकियों के दिमाग की ताकत का इस्तेमाल करके भी आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। मेंटल टेलीपैथी मुमकिन चीज है। अगर आप अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ मिलकर इस पर बारीकी से काम करें, तो इसके लिए आपस में डिस्कस करें, जिससे आप अपने विचारों को दूसरों के साथ बांटकर एक सिंगल ब्रेन की तरह सोच पाए। इस्तेमाल करें अपनी ब्रेन की पावर का, हमेशा से नए नए आइडिया से प्रेरित करते रहे। जो कुछ भी आपने समरी से सीखा, उसे रियल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करें और उसे अपनी आदत में शुमार कर लें। आप चाहे तो किसी भी चैप्टर में जाकर फिर से उन बातों को दोहरा सकते हैं और स्टेटमेंट को मन ही मन दोहराएं जो आपको मनी कॉन्शियस बनाएंगे।
तो आप अपनी फाइनेंशियल सक्सेस से अब ज्यादा दूर नहीं है। इसी के साथ अमीर और सक्सेसफुल बनने के लिए इन 13 स्टेप्स का आखिरी स्टेप है सिक्स्थ सेंस। तो जब तक आप बाकी के 12 स्टेप्स में महारत हासिल नहीं कर लेंगे, तब तक आप इस सिक्स्थ सेंस तक नहीं पहुंच सकते। ये सिक्स्थ सेंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक हिस्सा है, जो हमारी क्रिएटिव इमेजिनेशन को संभालता है। ये ही हमें दुनिया की इन्फिनिट इंटेलिजेंस से जोड़ता है। कभी कभी हम विचारों को अपने दिमाग में फ्लैश की तरह देखते हैं, जिसे हंचेस कहते हैं, और ऐसा तब होता है जब हमारी सिक्स्थ सेंस काम कर रही होती है, लेकिन इसे हर कोई महसूस नहीं कर सकता। बहुत गहराई से ध्यान लगाने से ही हम इसे अचीव कर सकते हैं। जितने भी महान लोग हुए हैं, जैसे कि थॉमस एडिसन, अब्राहम लिंकन और मोहम्मद, ये सब अपनी सिक्स्थ सेंस को यूज करके ही महान बन पाए। तो अपने इन्हीं हंचेस से उन्हें कुछ बड़ा काम करने की मोटिवेशन मिलती रही। ये सिक्स्थ सेंस हमारी मेंटल और स्पिरिचुअल स्टेट दोनों को जोड़ती है। ये एक मीडियम की तरह काम करती है, जो हमारे दिमाग को इस अनंत ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट करता है। हमारी सिक्स्थ सेंस न केवल हमें क्रिएटिव आइडियाज देती है, बल्कि कई बार आने वाले खतरों का भी इशारा कर देती है। इन्फिनिट इंटेलिजेंस वो पावर है जो दुनिया की हर चीज के कण यानी एटम में होती है। इसके अंदर पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी समाई होती है। यही वो शक्ति है जिससे पानी हमेशा नीचे की ओर ही बहता है, रात के बाद दिन निकलता है और सर्दी के बाद गर्मी आती है। इसी की वजह से ब्रह्मांड की हर चीज एक दूसरे से किसी न किसी रूप से जुड़ी हुई है। हम भी अपनी सिक्स्थ सेंस की प्रैक्टिस करके खुद को इन्फिनिट इंटेलिजेंस के साथ जोड़ सकते हैं, जैसा कि सभी जीनियस करते हैं। हम भी अपने सपनों को मटेरियल फॉर्म यानी कि हकीकत बना सकते हैं, क्योंकि हम इंसानों के पास ही सपने होते हैं, इच्छाएं होती है जो हमारे दिमाग को डोमिनेट करके रखती है। हम अपनी हार या जीत खुद चुन सकते हैं और अपनी सोचने की पावर से सफलता को, सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। सक्सेस का रास्ता हमारे सपनों से ही शुरू होता है। जैसे जैसे आप इन 13 स्टेप्स पर आगे बढ़ते जाएंगे, आपको विजडम मिलता जाएगा। अपने सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है कि खुद को और दूसरों को जाने, और आखिर में एक सक्सेसफुल आदमी ही इस लॉ ऑफ नेचर और खुशियों के तरीके को समझ सकता है। हम फिर कहते हैं कि आप जब चाहे तब इन 13 स्टेप्स पर जाकर इन्हें दोहरा सकते हैं, ताकि माइंड को प्रेरित करने के हाई लेवल को आप पा सके। अब आपके पास 13 स्टेप्स टू रीचेस है, जिसके लास्ट चैप्टर में आप सीखेंगे कि डर को अपने मन से कैसे दूर किया जाए, क्योंकि जब तक आप इसे दूर नहीं करेंगे, ये आपको एक लिमिट में बांध कर रखेगा, और बिना इस डर को जीते आप अमीरी की राह पर पांव नहीं बढ़ा सकते। तो आइए जानते हैं डर के 6 भूतों को अपने मन से कैसे भगाएं। कुछ ऐसे छुपे हुए दुश्मन होते हैं जो हमें दौलतमंद नहीं बनने देते, और वो दुश्मन है असमंजस, शक, चिंता और नेगेटिव ख्याल। इसमें से एक भी ख्याल आपके मन में है तो बाकी खुद ही आ जाते हैं, बिल्कुल बिन बुलाए मेहमान की तरह। तो जब तक आप इनसे लड़कर इन्हें दूर नहीं करेंगे, ये आपको तंग करते रहेंगे। कभी हाँ कभी ना, और खुद पर यकीन ना होने से हमारे अंदर एक अजीब सा डर पैदा होता है। हम यहाँ आपको ऐसे ही 6 बेसिक डरों के नाम बता रहे हैं। वो है गरीबी का डर, आलोचना का डर, खराब सेहत का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर, और आखिरी मौत का डर। तो इनमें से डर हमारी काबिलियत को कम कर देता है, उसे एक लिमिट में बांधने लगता है, मगर असलियत में ये सभी डर सिर्फ हमारे दिमाग की उपज है और कुछ नहीं। इसका सीधा मतलब है कि इस डर पर काबू पाया जा सकता है। जी हाँ, ये अच्छी खबर है, इस पर काबू पाया जा सकता है। एक ऐसी चीज जिस पर पूरी तरह से हमारा कंट्रोल होता है, और वो है हमारे थॉट्स, हमारे विचार। जैसे ही कोई ख्याल हमारे दिमाग में आता है, वो उसी वक्त फिजिकल हो सकता है। यही इसकी सबसे बड़ी पावर है। जो ख्याल आपके दिमाग में घूम रहे होते हैं, वही आपकी सोशल, प्रोफेशनल और फाइनेंशियल डेस्टिनी बन जाती है। जब आप लगातार बीमारी के बारे में सोचते हैं, तो सच में बीमार पड़ने लगते हैं। ये मानी हुई बात है। इसीलिए तो कहते हैं कि हमें अपनी विल पावर स्ट्रांग करनी चाहिए। कुछ लोग बाकियों के मुकाबले ज्यादा किस्मत वाले और सुपीरियर लगते हैं। ऐसा उनकी थिंकिंग की वजह से होता है। वे खुद को लकी और बेहतर समझते हैं, तो बाकी भी उन्हें ऐसे ही देखते हैं। जैसा हम सोचते हैं, वही हम बनते हैं। जब कोई आपकी आलोचना करे, तो उसे दिल पे ना ले। अपनी विल पावर को क्रिटिक से कमजोर ना होने दे।
उन रिश्तेदारों की बिल्कुल भी ना सुने जो आपसे कहते हैं कि आप ना ये कर ही नहीं सकते। क्रिटिक्स की बातों पर ध्यान देने से आपकी इमेजिनेशन तो बर्बाद ही होगी, ये आपके कॉन्फिडेंस को भी कम कर देगा और इंडिविजुअल तौर पर आपकी काबिलियत उभर नहीं पाएगी। इसीलिए अपने कानों को बंद कर लीजिए ताकि आप उनकी बातें सुन ही ना सके। अपने दिमाग के सब दरवाजे उन लोगों के लिए बंद कर लीजिए जो आपको हर तरह से डिप्रेस या डिस्करेज करते हैं। खुद को हर चिंता से दूर रखे, ये कभी ना सोचे कि लोग क्या सोचेंगे। बुढ़ापे और मौत की हकीकत स्वीकार करें, क्योंकि ये एक दिन सबको आएगी। अगर आप प्यार को खोने से डरते हैं तो खुद से प्यार करना सीख ले। जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं जिसकी वजह से आपको चिंता करनी पड़े। अपने लिए मन की शांति और खुशियाँ चुने। कहने का मतलब, बस सोचिए और अमीर बनिए। जी हाँ।